टोटल में है, देखो रिवर्स है, ठीक है, टोटल आगे लेंगे ना, डायनामिक ब्रेक लेंगे, ब्रेकिंग के लिए रीजनरेटिव ब्रेक, डीजल मिक्सर ऊपर सभी को टेस्ट करेगा, सभी आपका लाइट जलेगा बुझेगा, ये यूएम मतलब है ना, मिनिमम मार्क ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क नीचे है ना, एसआर कन्वर्टर का तेल, तो ट्रांसफार्मर का तेल एक तो देखा, एसआर कन्वर्टर का तेल दो जगह में देखना है, सिमिलरली इस बोलते हैं IG-38 की, IG-38 इसको क्या बोलेंगे, IG-38 की, ये E-70 लोको है, जैसे मान प्रसार 8 से 10 kg हो गया, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, रिवर्सर को फॉरवर्ड करोगे, जैसे फॉरवर्ड करोगे क्या उतना आएगा यहाँ पे 590 आएगा, ठीक है, 590 आने के बाद फिर थ्रॉटल को थोड़ा सा मूव करना 596 आएंगे, ट्रैक्शन देंगे तो ट्रैक्शन आएगा, यहाँ सब दिखाएगा, सब दिखाएगा, ठीक है, ऊपर में दिखा रहा है, यहाँ देखो वेची का वोल्टेज, वेची में कितना करंट है, आपको पिंटो चढ़ा हुआ है, सब दिखा रहे है ना, अभी रिवर्सर न्यूट्रल में है, देखो रिवर्सर है, ठीक है, टोटल आगे लेंगे ना, ऊपर लेंगे, टोटल ऊपर, इस साइड में ट्रैक्शन लेने के लिए, इस साइड में डायनामिक ब्रेक लेंगे, ब्रेकिंग के लिए रीजनरेटिव ब्रेक, डीजल मिक्सर ऊपर है कि ब्रेकिंग करने के लिए, डायनामिक में रीजनरेशन, यहाँ रीजनरेशन ब्रेकिंग होता है, डायनामिक ब्रेकिंग नहीं आता, ठीक है ना, रीजनरेशन ब्रेकिंग, ये इमरजेंसी स्टॉप बटन है ना जी, अच्छा ये पार्किंग ब्रेक के लिए लगाया गया है, ये विजिलेंस रिसेट करने के लिए, कितना भी स्पीड से कर सकते, ये BPCS, ठीक है, ये सब आपको पढ़ाएंगे कि अभी समझ में नहीं आएगा, जब पढ़ाएगा तब समझ में आएगा, फिलहाल इतना देखिए है ना, अच्छा ये LSJ का लैम, LSP LSF होटल लोड, होटल लोड आपका W7 में एक्टिव रहता है ना, पैसेंजर बोगी जाता है, बोगी मतलब बॉगी में आपका पूरा पावर सप्लाई, ठीक है, ये जेड बैंड जब आप लोग बैंकिंग करोगे तब इसको ऑन करना है, ये सब पढ़ाई नहीं गया आप लोग को, बाद में पढ़ाया जाएगा, पार्किंग ब्रेक रिलीज कैसे करेंगे, दबाना इसको दबा देंगे, अभी इस लोको से पार्किंग ब्रेक हटा दिया, इसमें हैंड ब्रेक लगा, ठीक है, तो जैसे इसको दबाएंगे ना लाल बत्ती जल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे तो पार्किंग ब्रेक का गेज भी लगा रहेगा, जिसमें होगा तो उसमें 0 शो करेगा, कितना शो करेगा, 0 उल्टा, इस रैन को अप्लाई किया कितना शो कर रहा है, 3.5, लेकिन पार्किंग ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो गेज में कितना शो करेगा, 0, ठीक है, उसी तरह से आप दोबारा प्रेस करेंगे रिलीज हो जाएगा तो गेज में शो करेगा 6 kg, है ना, अच्छा देख लीजिए, ये सब गेज है, जैसे ब्रेक सिलेंडर गेज है ना, इसके बाद MR गेज, FP का गेज, ये है BP का गेज, ये है एयरफ्लो इंडिकेटर, इतना सारा है, ये इसका आपका A9 का हैंडल है ना, आप लोग को भी पढ़ाया गया, अभी तो बाद में पढ़ाया जाएगा, कितना पोजीशन है इसका, देखो 6 पोजीशन है, रिलीज, नॉन एप्लीकेशन, फुल सर्विस, इमरजेंसी और न्यूट्रल, ठीक है जी, इतना सारा पोजीशन है इसमें, तो अभी ये रनवे है 5 kg है ना जी, अच्छा इसको अगर रिलीज में कर देंगे तो कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा, 5.6 या 5.5 तक प्रेशर बनेगा जी, जी, उसके बाद धीरे 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 प्रेशर नॉर्मल होकर 5 kg आएगा, ठीक है, और इस साइड में अगर करेंगे तो एप्लीकेशन पोजिशन हुआ, जैसे जैसे रखेंगे या आपका फुल सर्विस में रखोगे तो इतना BP ड्रॉप होगा है ना, इनिशियल एप्लीकेशन रखोगे तो 0.5 से 0.6 kg ड्रॉप होगा है ना, और एक इमरजेंसी में 0 हो जाएगा और न्यूट्रल में भी 0 जीरो, मतलब न्यूट्रल में क्या होता है, ये जो लिफ्ट हैंडल है इसको हम निकाल सकते हैं और इसमें इंसर्ट कर सकते हैं है ना, और ये होगा आपका लोको, मतलब लोको ब्रेक SNN का हैंडल, ये रिलीज हो रहा है ना, और ये एप्लीकेशन पोजीशन, ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो जब आप एनर्जाइज करने आओगे तो आपका ये वाला हैंडल है और ये आपका BL की, ये आपका दोनों को, ये दोनों दिया जाएगा एनर्जाइज करने के लिए लॉबी से है ना, तो पहले मैं आपको एनर्जाइज करके दिखाऊंगा है ना, कैसे एनर्जाइज करते हैं, है ना, अच्छा, तो मान लीजिए मैं इसको पहले बंद करता हूँ, BL की ओपन किया, ठीक है, इसका ये ZPT है, इसको डाउन कर दिया, स्प्रिंग लोडेड है सर, हाँ स्प्रिंग लोडेड, सभी पोजिशन स्प्रिंग लोडेड है ना, ये BL को ऑफ कर दिया, बैठ जाइए ना चेयर पे।
लिफ्ट कर दिया बस। दोनों चाबी आपको दिया जाएगा है ना, ठीक है। तो और इधर आओ, बैटरी है बंद कर दिया जाओ। बैटरी लाइट आउट की SB2 पैनल है, SB2 पैनल यहाँ पे दो तो सर्किट ब्रेकर है, इधर आइए लाइट लगाइए, टॉर्च जलाइए। देखो दो तो सर्किट ब्रेकर है, एक तो 110 एक तो 112.1 110 और 112.1 ये बैटरी चार्जर का आउटपुट सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। और 112.1 है कंट्रोल सर्किट ब्रेकर, बैटरी का, ठीक है। ये ऑन रहेगा तभी पूरा कंट्रोल सर्किट में आपका सप्लाई आएगा बैटरी, आउटपुट सर्किट, ये बैटरी चार्जर का आउटपुट है, ठीक है। और ये कंट्रोल सर्किट का सर्किट ब्रेकर है, गेज है ना। सर इधर इधर आए सब लोग, आके देखिए इधर आइए, आधा इधर आइए, मुझे ब्लैक वाला जो बॉल है वही से पता कर, ये देखिए मिनिमम और मैक्सिमम मार्क है ना। नहीं सर, यहाँ मार्किंग दिया हुआ, इधर है ये देखो मिनिमम मार्क है ना, मिनिमम मार्क के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क के नीचे है ना, दोनों साइड में रहेगा है ना, एक साइड में थोड़ा आगे चलिए तो हम लोग, ठीक है। और इसमें हम लोग को भी थोड़ा दिखा देंगे, हाँ ये देखो मैक्सिमम उधर नहीं, मैक्सिमम ऊपर मिनिमम कन्वर्टर जाएगा, मिनिमम है ना। सर ये क्या, हम आएंगे सब में आएंगे, कहाँ का ये SR है, ठीक है, ट्रैक्शन कन्वर्टर का यूनिट है SR, हम बताएंगे सब। आप तेल सिर्फ देख लो कहाँ का तेल लेकर, इधर आओ इसमें देखो तेल है ना, ये SR कन्वर्टर है, ये मिनिमम मैक्सिमम है, मिनिमम को ऊपर मैक्सिमम का नीचे होना चाहिए, अभी मिडिल में है ना। SR कन्वर्टर का तेल, SR कन्वर्टर का तेल, तो ट्रांसफार्मर का तेल एक तो देखा, SR कन्वर्टर का तेल, दो जगह में दिखना है, सिमिलरली इस साइड में दिखना है, क्या वन क्या टू साइड ना, इधर आओ इधर इधर को SR, इधर आओ ये ट्रांसफार्मर का गेज है ना जी सर, ट्रांसफार्मर का गेज, ये देखो नीचे मिनिमम लिखा हुआ है है ना, 20 डिग्री और ऊपर है मैक्सिमम, यहाँ रहेगा ये वाला, इधर मैक्सिमम रहेगा है ना, तो मैक्सिमम का नीचे, ठीक है। उसी तरह ये आपका SR है, और एक तो SR दो तो SR रहता हमारा, ये हाँ उस साइड रहेगा, उस साइड इसका के उस साइड में है, आपके साइड आगे चलिए, हाँ ठीक है। ये दोनों आपका तेल लेवल कहाँ देखना है, मशीन रूम में, मशीन रूम में, हाँ मशीन रूम में, TFP1 TFP2 का तेल देख लिया, SR1 SR2 का तेल देख लिया, ठीक है। दो ट्रांसफार्मर दो ठो SR SR का, ठीक है। इतना सारा तेल देखने के बाद आप क्या करेंगे, HB1 HB2 SB1 SB2 इसमें जितना भी सर्किट ब्रेकर है, खोलिए खोलिए देखिए, जितना सर्किट ब्रेकर है सब सर्किट ब्रेकर आपका SB1 उस साइड होगा, ये SB2 है, ये मशीन रूम नंबर 2 है, ये वाला है ना, ये मशीन रूम, हाँ ये मतलब इस साइड मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा बाएं तरफ मशीन रूम नंबर 2 और मेरा दाहिने तरफ मशीन रूम नंबर 1 का लिखा हुआ है सर SB2, हाँ तो मशीन रूम नंबर 2 में जितना भी होगा सब 2 2 2 2 करके होगा, और एक एक में जितना होगा सब 1 1 1 करके होगा, मतलब मशीन रूम नंबर में HB2 SB2 ऐसा रहेगा, ठीक है, और मशीन रूम नंबर में 1 में SB1 SB2 ऐसा करके रहेगा। तो ये न्यूमेटिक पैनल है, तो न्यूमेटिक पैनल कहाँ पे है, मशीन रूम नंबर 1 में, 1 न्यूमेटिक पैनल कहाँ पे है, मशीन रूम नंबर 1 में, ये है पूरा न्यूमेटिक पैनल, ठीक है ना जी। इसमें देखो ये वाला की आपको जरूर देखना है ना, ये वाला की, ये इसको बोलते हैं IG38 की, IG38 इसको क्या बोलेंगे, IG38 की, ये E70 लोको है, क्या है E70, इसमें दो प्रकार का लोको रहता है, एक तो E70 एक तो नॉर्थेंस है ना, CCB2 जिसको अभी 1.5 नहीं है, अभी 2 आ रहा है ना नॉर्थेंस, तो नॉर्थेंस में इसका गेज क्या रहेगा, ऐसा वर्टिकल कंडीशन में रहेगा,
ये जो ब्लू वाला चाबी दिख रहा है ना, हाँ, ये हॉरिजॉन्टल में है, E70 में हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, और इसका पोजीशन जब तक ये सही नहीं रहेगा तब तक ये पेंटो का प्रेशर गेज में कुछ भी नहीं दिखाएगा। ये पेंटो प्रेशर गेज है देखो, अच्छा। अभी प्रेशर कितना दिखा रहा है आपका? 8 kg दिखा रहा है ना, 8 kg। देखिए ये चाबी अगर ऐसा है ठीक है, वर्टिकल हो गया, तो ये अगर ई से आपका नॉर्मल वाला लोगो होगा तब रहेगा ये वाला पोजीशन। E70 में क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टल करना ठीक है। और ये हो गया आपका पैन वन का, प्रेशर का कांटा वहीं पर आ गया। हाँ, इसका क्या है, इसका जो गेज है ये IG38 से पहले दिया हुआ है, जबकि नॉर्मल में ये IG38 जो है ना, ये प्रेशर गेज IG38 के बाद दिया हुआ है। मतलब IG38 की अगर ऐसे निकाल लेंगे ना तो पेंटो प्रेशर जीरो हो जाएगा। अच्छा, समझ में आया जी। ये गेज क्या है, इसके पहले लगा दिया, इसका जो गेज का कनेक्शन है ना, इसका ये जो पाइपलाइन है, मान लो ये पाइपलाइन IG38 लॉक है इस पाइपलाइन सपोज, हाँ, और गेज को अगर हम यहाँ से लगा दे तो इसको बंद करे या चालू करे, गेज से कोई फर्क पड़ेगा क्या? आउटलेट में हो गया तो प्रॉब्लम इसका ही है ठीक है। लेकिन नॉर्थ ब्रेंस में क्या हो गया, IG38 के बाद में लगाया है, तो उसको अगर बंद कर देंगे तो पेंटो प्रेशर गेज भी जीरो हो जाए, है ना, वो दिखाएंगे अगर नॉर्थ ब्रेंस वाला है ना। तो ये जो है आपका आने के बाद ये चाबी यहीं पे लगा रहता, इसको कोई निकालता नहीं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखना है, E70 होगा तो हॉरिजॉन्टल करना है। मान ली गलती से कोई अगर ऐसा कर देंगे तो पेंटो पाइपलाइन में क्या होगा, प्रेशर जाएगा, है ना, तो इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल सुनिश्चित करना है। E70 कैसे पता करेंगे? E70 रहेगा तो 2 की देगा, BL की देगा। E70 अगर रहेगा पता कैसे चलेगा? वो तो आपका कैब में पता चलेगा, नॉर्थ ब्रेंस में आपका मोड स्विच वगैरह रहेगा। उसके बाद WDG4 आप लोग चलाते हैं ना, डीजल वाला है ना, तो WDG4 में जो कैब है वो नॉर्थ ब्रेंस का कैब है ना, वहाँ पे आपका मोड स्विच है कि नहीं? मोड स्विच है ना, E70 में मोड स्विच वगैरह नहीं मिलेगा कैब में, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि नॉर्थ ब्रेंस है कि E70 वाला है, ठीक है। तो ये चाबी यहाँ हॉरिजॉन्टल सुनिश्चित कर लीजिएगा। ये पैन वन का पेंटो कॉक है, पैन टू का कॉक है। जैसे नॉर्मल लोगों में आप लोग का VPT1 VPT2 सिखाएगा, कॉक ओपन रहना चाहिए तभी पेंटो चढ़ेगा, उसके जगह में यहाँ पैन वन और पैन टू लगा दिया गया, पेंटो वन के लिए पेंटो टू, ठीक है। ये VCB का गेज है, मतलब VCB को भी क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए एयर प्रेशर चाहिए, उसका कॉक ये है, ठीक है। तो ये सब कॉक क्या होना, ओपन पोजिशन में, देखो C फॉर क्लोज और O फॉर ओपन, मतलब ये कॉक को अगर इधर घुमा दे तो क्या हो गया, क्लोज हो गया, और O फॉर ओपन, ओपन ठीक है। अच्छा, लोकेशन देख लो, सिर्फ पैन वन पैन टू का कॉक, VCB का कॉक, चारों कॉक क्या है, तीनों कॉक क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ये है आपका 70 नंबर कॉक, 70 जैसे वहाँ LNT कॉक के बारे में पढ़ा हो, जी LNT कॉक है, BP चार्ज जो था उसी तरह का ये 70 वाला कॉक है, ठीक है। ये 74 वाला कॉक है, ये दोनों कॉक आपका क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, हाँ जी। उसके बाद देखो ये है आपका FP का कॉक, FP का कॉक जी, ये इसका ओपन पोजीशन है, ठीक है जी। एरो इधर है, ये ओपन है, इसको इधर कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ये मतलब सर हैंडल से कन्फर्म होगा, हाँ हैंडल यह लिखा भी है देखो ना, जी सर ऐसा ओपन है, ऐसा करेंगे तो क्लोज है ना, इस लाइन में लिखा है, ठीक है जी लिखा। अच्छा, उसके बाद ये आपका 1.5 इंच का कॉक है, कॉक पोजीशन पहले देख लो, ये 47 वाला कॉक है, जब गाड़ी को हम लोग डेड बना के लेके जाते हैं है ना, जी, तब ये कॉक क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, हाँ ओपन होना चाहिए। अभी ये नॉर्मल में क्लोज होना, क्लोज है ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्लोज है, डेड इंजन कॉक, मतलब लोगों को डेड बना के अगर दूसरे लोगों के साथ अटैच करके लेके जाएंगे उस कंडीशन में ये वाला जो कॉक है ओपन करके, ठीक है जी। इतना सारा कंफर्म कर लिया कॉक पोजीशन, तो नॉर्मल पोजीशन में अभी ओपन में है सर, अभी ये क्लोज में देखो एरो के निशान है ना, अभी जरूरत नहीं है, जब इस गाड़ी को किसी दूसरे गाड़ी के साथ हम डेड करके लेके जाएंगे तब इस कॉक को खोलेंगे, ठीक है, तभी आपका क्या होगा ना, इस लोगों में भी BP आपका आएगा, ऑक्सिलरी रिजर्व है चार्ज होगा, तो ये 70 नंबर कॉक ओपन रहना चाहिए, 74 नंबर कॉक ओपन रहना चाहिए, 136 कॉक ओपन होना चाहिए, ठीक है। पैन वन कॉक ओपन, पैन टू कॉक ओपन, VCB का कॉक ओपन,
E70 IG38 की, इसको काबा की भी बोलते हैं और IG38 की भी बोलते हैं। देखो नंबर लिखा है 38 है ना, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा, ये पेंटो प्रेशर गेज आपका शो कर रहा है। इतना सारा कॉक पोजीशन आप देख लिए, ठीक है। अच्छा, ये सारे कॉक पोजीशन कंफर्म करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ देखो मैं एक तो दिखा रहा हूँ पेंटो सिलेक्टर स्विच, इसको देख लो सब। पेंटो सिलेक्टर स्विच कहाँ पे है, न्यूमेटिक पैनल में लेफ्ट कॉर्नर में है, ठीक है। तो इसका तीन पोजीशन है, देखो ऑटो पोजीशन, एक नंबर पोजीशन और दो नंबर पोजीशन। इसका नाम है पेंटो सिलेक्टर स्विच 85। क्या है? पेंटो सिलेक्टर 85। सिलेक्टर बोल रहा हूँ, सिलेक्ट का मतलब है जिस पोजीशन में रखेंगे उसको सिलेक्ट करना है। तो ऑटो पोजीशन में जैसे रखते हैं ना, ऑटो पोजीशन में रखने से क्या होगा, नॉर्मली आपका जैसे कॉन्वेंशनल लोगों में अगर पोजीशन एक में रखते हो ZPT तो पीछे वाला पेंटो चढ़ता, इसका ऑटो में रखेंगे तो हमेशा पीछे वाला पेंटो चढ़ेगा, चाहे आप कैब वन से ड्राइव करो या कैब टू से ड्राइव करो। मतलब कैब एक वन से भी पेंटो चढ़ाइए या कैब टू से पेंटो चढ़ाइए, ठीक है, हमेशा पीछे। मतलब कैब वन से अगर करेंगे तो दो नंबर कैब का पेंटो चढ़ेगा और कैब टू में चढ़ाएंगे तो कैब वन का पेंटो चढ़ेगा, अगर ऑटो पोजिशन में है। पेंटो सिलेक्टर स्विच है, एक में करेंगे तो क्या होगा, कैब वन का पेंटो चढ़ेगा, चाहे कैब टू से ड्राइविंग करिए या कैब वन से करिए। हमको बताया गया था जिस पर रखेंगे वो नहीं उठेगा, उसका विपरीत उठेगा। नहीं, 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 नहीं वो नहीं, जिस पर सेलेक्ट करेंगे वो अलग स्विच हम बताएंगे उसको, वो 154 है, वो अलग है। एक नंबर में करेंगे तो एक नंबर पेंटो चढ़ेगा, कैब वन के ऊपर वाला पेंटो एक नंबर होगा। दो नंबर में रखेंगे तो दो नंबर पेंटो चढ़ेगा कैब टू का, ठीक है, कैब टू के ऊपर है ना। और ऑटो में रखेंगे तो हमेशा रेयर वाला पेंटो, जिस कैब से ड्राइव करेगा उसका रेयर वाला हो गया। अच्छा, तो मान लीजिए अगर आपका पेंटोग्राफ वन में कोई डिफेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, पेंटोग्राफ वन में डिफेक्ट है, पेंटोग्राफ वन को आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, टू में रखेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पेंटोग्राफ वन में अगर कोई खराबी है, पेंटोग्राफ वन को हमको आइसोलेट करना पड़ा। सपोज आप गाड़ी काम कर रहे हो, कोई होस पाइप उसका फ्लेक्सिबल पाइप रहता है, प्रेशर पाइप जो प्रेशर जाते हैं वो निकल गया मान लीजिए, या पेंटो वन उसमें खराबी हो गया है, आइसोलेट करना पड़ेगा। तो ये सिलेक्टर स्विच को कहाँ रखेंगे, दो में रखेंगे। तो ये इलेक्ट्रिकली उसको आइसोलेट कर रहा है ना, एक को दो में रख देंगे। लेकिन यहाँ पे कॉक कहाँ काटेंगे, पैन वन का कॉक काटेंगे। हो रहा है ये जो कॉक है VPT कॉक, पैन वन का काटेंगे ना, जिसको आइसोलेट करना है उसी का कॉक काटना है, ठीक है। पैन वन का ये, लेकिन यहाँ पे उल्टा करना है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दो चालू कर रहे बाबा, दो पर रखेंगे एक, ये पेंटोग्राफ वन आपका खराब हो रहा है, यहाँ से न्यूमेटिक प्रेशर जा रहा है ना, तो जिस पेंटो में खराबी है उसका न्यूमेटिक प्रेशर बंद करना है। पेंटोग्राफ वन खराब है तो पेंटोग्राफ वन का न्यूमेटिक प्रेशर का कॉक है, इसको बंद कर देंगे और इलेक्ट्रिकली किसको करेंगे, दो में कर देंगे। ये तो खराब है तो दूसरा ही दो चालू कर, दूसरा आया समझ में, ठीक है ना। दोनों करना है सर कि एक ही कोई करना है, दोनों में से कौन सा, जो खराब है, जो खराब है उसमें प्रेशर जाना नहीं चाहिए, उसको आइसोलेट कर, उसको आइसोलेट करने का क्या करेंगे, उसका न्यूमेटिक कॉक को काटेंगे जी सर। और इलेक्ट्रिकली किसको करेंगे, जिसको हमको चलाना है उसको सिलेक्ट करके रखेंगे। तो ये थोड़ा सा उल्टा होता है, समझ में आया, पेंटो सिलेक्टर स्विच और पैन कॉक, ठीक है। तो ये न्यूमेटिक पैनल में फिलहाल आप लोग इतना ही कंफर्म करो, बाकी जब आगे आगे पढ़ते जाओगे अब सब समझाने से अभी नहीं समझोगे, है ना। इतना ही फिलहाल उतना सीखो। अच्छा, ये VCD का यूनिट है, ये VCD यूनिट है ना। और ये हो गया आपका कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना कार्ड है ये ब्लैक वाला के अंदर है ना। अच्छा, इसमें आप लोग का फिलहाल इतना ही सीखिए, बाकी बाद में धीरे धीरे आएंगे, अभी उतना समझ में नहीं आएगा आप लोग को। अच्छा, और एक तो ये देखो, ये जो बेबी कंप्रेसर जब प्रेशर बनाता है ना, ये वाला जो है, ये देखो मॉइस्चर ड्रेन आउट किया, ये हमेशा क्या होना चाहिए आपका, इस वर्टिकल में रहेगा, तभी आपका आपका क्या होगा, MCP जब चलेगा, ये है बेबी कंप्रेसर, ये बेबी कंप्रेसर जब चलेगा तब प्रेशर बनेगा। जैसे वहां पे आपका CCBA फ्यूज अगर सही रहता है, बैटरी ऑन करते हो और ZCPA को ऑन करेंगे तो बेबी कंप्रेसर चलते हैं ना, RS प्रेशर बनता है, ठीक है। और RS प्रेशर का जो ये है ड्रेन कॉक उसका, है ना, ये क्या है, ड्रेन RS का ड्रेन कॉक। तो ये अगर ड्रेन कॉक ऐसे खुला रहेगा तो क्या प्रेशर बनेगा, नहीं सर, लीकेज होता है ना, इसीलिए इसका पोजीशन है
ऐसा ये नॉर्मल पोजीशन मतलब ये बंद पोजीशन में है। अगर बेबी कंप्रेसर चल रहा है आपका पेंटो रिजर्वायर में प्रेशर नहीं बन रहा है ना, तो इसको एक बार चेक करिए, हो सकता है ये इस पोजीशन में है, तो इसको हाँ तो इसको क्या करना है वर्टिकल पोजीशन करना है, ठीक है। तो न्यूमेटिक पैनल में फिलहाल इतना है, आप देख लो, बाकी हम लोग बाद में आप लोग सिखाते हैं। और यहाँ देखो एक तो कॉक देख लो एनसीओ करना है इधर, है ना, एक तो बड़ा वाला कॉक देखिएगा, ये वाला ब्लैक वाला कॉक दिख रहा है एक तो ये वाला ब्लैक वाला कॉक ये ओपन रहना चाहिए, है ना, कौन सा ये वाला बड़ा वाला जी सर ये ओपन रहेगा, ठीक है। सर क्या नाम है ये आपका 92 91 नंबर कॉक है ना, मतलब ये आपका जो SA9 से ब्रेक लगाओगे ना तो वो प्रेशर वहां से जाता है, ठीक है, ओपन रहना चाहिए। और आपका हाँ इधर देखो तीन सौ कॉक दिखेगा और इसमें लाल लाल तीन सौ कॉक दिख रहा है इधर 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 है ना, ये है ना, ये तीनों कॉक आपका ओपन रहेगा, ठीक है। चार ठो का कॉक पहले था, एक ठो कॉक हटा दिया व्हील फ्लेंज वाला है ना, तो एक तो SR1 का कॉक, एक तो SR2 का कॉक, एक तो हार्मोनिक फिल्टर का कॉक, यहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया नहीं अभी, इसलिए हम बोला कि बाद में दिखाएंगे। ये सब कॉक ओपन रहेगा किस में, तीनों का तीनों कॉक ओपन रहता है। अगर वो आपका देख लो कॉक देख लो, अरे लाल वाला कॉक नहीं दिख रहा इधर, दिख गया सर, दिख गया सर, एक है आपको दो ठो है सीधा एक ये ऐसे की, हाँ एक तो SR1 SR2 और एक तो इसका रहेगा, बस बस ठीक है। चलिए आप लोग को पढ़ाया जाएगा तब समझ में आएगा, अभी फिलहाल क्या करना है HB1 HB2 जितना भी सर्किट ब्रेकर है सब सर्किट ब्रेकर क्या होना चाहिए ऑन कर लो, ऑन कर लीजिए। तो आप मान लीजिए लोको एनर्जाइज करने आ रहे हो तो बैटरी ऑन करना पड़ेगा, तो बैटरी ऑन करना पड़ेगा, ठीक है करो, इतना ऑन करो ये पहले ये 100 ब्लॉक दीजिए 100 ये इनकमिंग हो गया, उसके बाद इसका सीक्वेंस क्या है सर, 100 पहले होगा 100 है इनकमिंग के लिए 100 इनकमिंग के लिए 110 और 112.1 जी सर लिखा हुआ था ऊपर में सर। तो SB1 में भी करना होगा ये SB2 में, तो SB2 में 112.1 SB2 में रहेगा, जी सर ये दोनों को ऑन कर लिया जी सर। सर बैटरी ऑफ करने के बाद ये सब चेक कर लिया, बैटरी को चेक करने के लिए कौन सा ये सब कॉक नहीं उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि आप जब चेक करोगे तो कॉक अगर पोजीशन मान लो पेन टू कटा हुआ है तो इसको भी ऑन भी करोगे तो कमांड देगा तो पेन टू उठेगा क्या, नहीं उठेगा, इसलिए इंश्योर करने के लिए बोल रहा, और कुछ नहीं, जब नहीं उठेगा तब इंश्योर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या 110 और 112.1 को ऑन किया जी सर, ठीक है, देन चेक कर लिया जी सर, न्यूमेटिक पैनल चेक कर लिया, चेक कर लिया, आइए सर है वेट बढ़ाने के लिए
मैक्सिमम लोअर वन का स्कैवेजिंग लोअर सर, ये वाला को ही सिंगल फेज मिलता है ना सप्लाई इसको इसको मशीन रूम लोअर। हाँ सर, मशीन रूम वाला जो एक्सपेंडिंग है उसको सिंगल फेज यही वाला है ना सर। मशीन रूम लोअर जो है थ्री फेज का है, सिंगल फेज नहीं। और यहाँ पे ओसीआर 78 हो गया आपका, ये
नीचे आई एक जाने की जाने। इसको टॉर्च मारो 86 MBR 86 बोलते हैं इसको, जहाँ पे वहाँ पे Q30 लगा हुआ है ना yes, उसी की लगा ये MBR 86 है ठीक है yes, Q30 की जगह पे हाँ Q30 वहाँ पे है ना कन्वेंशन लोगों में हाँ सर लोअर लो लोअर लो टेंशन रिले यस सर उसी की जगह पे 86 लगाए नो वोल्टेज नो वोल्टेज जो रिले यस सर ये कहाँ मिला आपको SP1 में 78-86 ठीक है यस सर ये चारों रोटेटिंग स्विच और इधर देखो ये वाला एक तो देखना पीटी फ्यूज ये क्या है पीटी फ्यूज है पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का फ्यूज अच्छा अच्छा हाँ सर हाँ। पीटी फ्यूज है ना हाँ। इसका दो स्पेयर फ्यूज यहाँ लगाया ठीक है सर और जिसमें तार लगा हुआ है वो वर्किंग में वर्किंग में ठीक है ये अगर मेल्ट हो जाता यहाँ एक तो लाल बटन दिख रहा है लाल इंडिकेटर हाँ, हाँ, हाँ। लाल इंडिकेटर ऊपर उठ जाएगा कौन लाया ऊपर सर तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेल्ट हो गया इसको बदलने के लिए क्या करना पेंटो को लोअर करना सेफ्टी मेजर में पेंटो लोअर लोअर करके इसको खींच देना बाहर ठीक है और स्पेयर फ्यूज को खींच के यहाँ लगा देना ये 2 एम्पीयर का है यस सर बिना पेंटो लोअर का इसको टच नहीं करना बहुत झटका मारेगा तगड़ा समझ में आया चलो SP1 ट्रांसफार्मर का गेज दोनों साइड दोनों साइड में है जी सर एक SR1 ठीक है इसमें सिर्फ तेल ही चेक करना है ना कॉन्वेंशनल में जो बीवी बॉक्स में रहता है ये यहाँ पे है ग्राउंडिंग हैंडल करना कैसा है बाद में जब पढ़ाएगा तब सिखाएंगे पूरा लोग को शटडाउन करना है पेट्रोल दोबारा वीडियो पे बैटरी ऑफ शटडाउन करने के बाद आईपी को बंद कर आईपी कुछ नहीं है मुझे आईपी थर्टी एट उसको निकालना पड़ेगा निकाल के यहाँ लगाना पड़ेगा घुमाएगा ये दोनों चाबी फ्री होगा लीकेज की ये इसको क्या करना इधर कर देना करके चाबी को निकाल है ना बनाया जाएगा बाद में ये हो गया OCP1 क्या बोले थे SR1 का पंप SR1 का पंप ट्रांसफार्मर पंप ये नहीं ट्रांसफार्मर पंप नीचे रहते ये SR का पंप है ये SR1 है ये वाला ये SR1 है SR1 का पंप है ये कॉक सब ओपन रहेगा दोनों का इनलेट होगा ना एक तो इनलेट एक आउटलेट है ना ये OCP1 ठीक है तो नंबर एक पैनल हो गया एक ट्रैक्शन मोटर डोर नंबर दो अभी तो मैं बोला अभी यहाँ 4-5-6 ट्रैक्शन मोटर रहेगा ना ठीक है और इसको रान में लेके ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे इस BL को ऑफ से डीसी में पोजीशन में लेंगे LSTG जल गया LSTG जला
नहीं, ये सेल्फ टेस्ट करता है, ठीक है। जितना इसका फंक्शन है सभी को टेस्ट करेगा, सभी आपका लाइट जलेगा बुझेगा, ये एमीटर जो है ट्रैक्शन मीटर टीवी मीटर ऊपर नीचे करेगा। होने के बाद यहाँ जो है आपका नोड क्रमांक इसको ऑब्जर्व करना, क्या आया 504। अगर ये आ गया मतलब क्या है, लोगों को एनर्जाइज करने के लिए रेडी है, ठीक है। प्रोसेसर सब जो है ना एनर्जाइज हो गया, पूरा चेक कर लिया है पूरा सिस्टम, ठीक है। ये 504 आया अभी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जेडपीटी को कमांड देंगे, पेन पे चढ़ाना है हमको। ये जेडपीटी है, जेडपीटी को ऑफ कर दिया। देखो बेबी कंप्रेसर चलने का आवाज आ रहा है, पेंटो प्रेशर कम है ना, जैसे प्रेशर बन जाएगा बंद हो जाएगा। देखो पेंटो चढ़ गया, लेकिन मेरा क्या है डीजे ओपन है, ओपन है, लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है, ओएची का वोल्टेज दिखा रहा है, ये ऑब्जर्व करना। नोट क्रमांक क्या हो गया 550। कन्वेंशनल लोगों में ऐसा नहीं होता, जब तक आप डीजे क्लोज नहीं करोगे ओएची का वोल्टेज नहीं दिखाई देगा, लेकिन जी 99 दिखाता है, ठीक है। ऊपर पोटेंशियल एक तो ट्रांसफार्मर है ना, और अगर पीटी फ्यूज आपका सही रहेगा तो ये आपका ओएची वोल्टेज दिखाएगा, ठीक है। आप देखो मैं क्या करेंगे, डीजे क्लोज करेंगे, डीजे को कमांड देंगे, बीएल डीजे से क्या किया डीजे क्लोज करेंगे। मुझे क्लोज हो गया, क्या चेंज हो गया 570 70 में क्लोज कर दीजिए, डीजे क्लोज हो, ठीक है। सिटी को भी कमांड दे दिया, कंप्रेसर चल गया। अभी देखो आपका हिमान प्रेशर बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना, डीपी बन गया, ठीक है सर। कंप्रेसर कंप्रेसर नीचे रहता है, चेक करने के लिए डीजे ओपन करो, डीजे ओपन करके उसका वायर लेवल चेक कर लो, ठीक है। अब देखो रिवर्सर को हम फॉरवर्ड करेंगे, है ना, ये नोट देखना चेंज हो जाएगा। रिवर्सर को जैसे फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन फॉरवर्ड करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना है आपका हिमान प्रेशर 6.5 से ज्यादा होना चाहिए, 6.5 या 6.4 मान लो, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्ट मैसेज देगा, लो हिमान प्रेशर का फॉल्ट मैसेज दे देगा, ठीक है। देखिए मैं फॉरवर्ड कर दूंगा इसका, देखिए नोट चेंज हो जाएगा, 590 आ जाएगा। आया, ठीक है। अभी अगर ट्रैक्शन हमको लेना है, गाड़ी चलाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, थ्रॉटल है, थ्रॉटल को पहले हम ट्रैक्शन टेस्ट करते हैं ना, कि ट्रैक्शन जा रहा कि नहीं जा रहा। थ्रॉटल को पहले इधर थोड़ा सा आगे किया, देखो 596 हो, हाँ। अभी अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे टी डी आपको दिखाएगा, क्या हुआ सर, इधर देखो 34 कितना दिखा रहा है, 18% गाड़ी मूव हो जा रहा है, जा रहा है ना आगे, ठीक है। देखो टी बी मीटर इधर दिखा रहा है, 34 जा रहा है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, गाड़ी चलाते हैं, तो लोको एनर्जाइज करना इसी प्रकार करना, ठीक है। SB1, SB2, HB1, HB2 का सारा सर्किट ब्रेकर देख लिया, 110, 112.1 को क्या किया, ऑन किया, न्यूमेटिक पैनल चेक कर लिया, चेक करने के बाद A9 हैंडल जो है न्यूट्रल पोजीशन में इंसर्ट करेंगे, रनवे रखेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, BLP को ऑफ से डी में रखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन होगा, मैसेज भी आएगा कॉन्फ़िगरेशन प्लीज हुए, है ना। मैसेज आने के बाद पूरा चेक हो गया, चेक करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ क्या रहेगा, 504 आ जाएगा। जैसे 504 आ जाएगा क्या करेंगे, जेडपीटी को कमांड देंगे, ठीक है। जैसे जेडपीटी को कमांड दोगा पेंटो चढ़ेगा, फिजिकल देख लेना, यहाँ 550 आ जाएगा, 550 आएगा, यहाँ पे क्या करेगा, ओएची का वोल्टेज दिखाएगा। ये बैटरी का वोल्ट मीटर है, ये ओएची का है ना, और ये ट्रैक्टिव इफर्ट मीटर है, ट्रैक्टिव और ब्रेकिंग, ठीक है। नीचे साइड में ब्रेकिंग, ऊपर साइड में ट्रैक्टिव। अच्छा उतना होने के बाद आप क्या करोगे, जेडपीटी कमांड दिया, उसके बाद जैसे पेंटो चढ़ गया ओएची का वोल्टेज इंश्योर कर लेना, करने के बाद BLDD से डीजे को कमांड देना, ठीक है। जैसे कमांड देगा डीजे क्लोज हो जाएगा, LSDA का बत्ती आपका क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, बुझने के बाद यहाँ क्रमांक क्या हो जाएगा, 550 है ना। उसके बाद CP को कमांड दीजिए, है ना,
सीटी को जैसे कवर देंगे कंप्रेसर चलेगा, कंप्रेसर चलने के बाद आपका एमआर प्रेशर बढ़ेगा, एमआर प्रेशर